नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिमायर क्लासेज में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो है पशुपालन मॉडल पेपर। यानी आज की इस वीडियो में हम पशुपालन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो सुपरवाइज़र 2021 के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आगे आने वाली जो हमारी सारी वीडियोज रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हम आगे इसी तरह की टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पशुपालन मॉडल पेपर जिसमें हम 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिए, इसमें जो अपना सबसे पहला प्रश्न है वो है राजस्थानी ऊँट के शरीर का औसत तापमान होता है। राजस्थानी ऊँट के शरीर का औसत तापमान होता है। ऑप्शन ए 93.2 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी 96 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन डी 102 डिग्री फारेनहाइट। राजस्थानी ऊँट के शरीर का औसत तापमान होता है। ऑप्शन ए 93.2 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी 96 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन डी 102 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो सही उत्तर है ऑप्शन सी 96 डिग्री फारेनहाइट। ऊँट के शरीर का औसत तापमान 96 डिग्री फारेनहाइट होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है मादा पशुओं में मदकाल की पहचान की जाती है। मादा पशुओं में मदकाल की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए टीजर बुल द्वारा, ऑप्शन बी सांड द्वारा, ऑप्शन सी थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मादा पशुओं में मदकाल की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए टीजर बुल द्वारा, ऑप्शन बी सांड द्वारा, ऑप्शन सी थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए टीजर बुल द्वारा। टीजर बुल या नसबंदी किए हुए नर द्वारा मादा पशुओं में मदकाल की पहचान की जाती है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किसे जाता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए लियोनार्डो, ऑप्शन बी संपत कुमार, ऑप्शन सी गुरुदेव सिंह, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। भारत में कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए लियोनार्डो, ऑप्शन बी संपत कुमार, ऑप्शन सी गुरुदेव सिंह, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत कुमार। डॉक्टर संपत कुमार को भारत में कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय जाता है। और वहीं अगर विश्व की बात की जाए तो डॉक्टर लियोनार्डो को विश्व में कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है गाय की नस्ल जिसके कान पत्ती नुमा होते हैं। गाय की नस्ल जिसके कान पत्ती नुमा होते हैं। ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी नीली राबी, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी गिर। ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी नीली राबी, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी गिर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गिर। गाय की गिर नस्ल के कान पत्ती के आकार के अथवा झुके हुए और कटे हुए होते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है भैंस की सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। भैंस की सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी काठियावाड़, ऑप्शन डी भोजसू। भैंस की सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी काठियावाड़, ऑप्शन डी भोजसू। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बड़ौदा। भैंस की सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान बड़ौदा गुजरात है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस पशु के दूध में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। किस पशु के दूध में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊँट, ऑप्शन डी भेड़। किस पशु के दूध में विटामिन सी की
अधिकता पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी भेड़। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बकरी। बकरी के दूध में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, सामान्यतः पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग है, सामान्यतः पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी रिंगवर्म, ऑप्शन डी गर्भपात। सामान्यतः पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी रिंगवर्म, ऑप्शन डी गर्भपात। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी गर्भपात। गर्भपात या ब्रुसेलोसिस पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, लाल दवा का उपयोग किया जाता है, लाल दवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पशुशाला की सफाई में, ऑप्शन बी जीवाणुनाशक के रूप में, ऑप्शन सी कृमिनाशक के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पशुशाला की सफाई में, जीवाणुनाशक के रूप में, कृमिनाशक के रूप में, उपयुक्त सभी। तो लाल दवा का जो उपयोग किया जाता है वो पशुशाला की सफाई में किया जाता है। लाल दवा का उपयोग पशुशाला को साफ करने में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, NDRI की स्थापना कब की गई, NDRI की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1935। NDRI की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1935। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1955। NDRI की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, डबल टोड मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है, डबल टोड मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 4-5%। डबल टोड मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 4-5%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1.5%। डबल टोड मिल्क में 1.5% वसा पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पोषक की दूध में कमी पाई जाती है, निम्न में से किस पोषक की दूध में कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। निम्न में से किस पोषक की दूध में कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ए व बी दोनों, यानी दूध में विटामिन सी और लोहा दोनों ही पोषकों की कमी पाई जाती है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, वसा परीक्षण हेतु दूध की उपयुक्त मात्रा है, वसा परीक्षण हेतु दूध की उपयुक्त मात्रा है। ऑप्शन ए 10 ml, ऑप्शन बी 10.75 ml, ऑप्शन सी 1 ml, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वसा परीक्षण हेतु दूध की उपयुक्त मात्रा है ऑप्शन ए 10 ml, ऑप्शन बी 10.75 ml, ऑप्शन सी 1 ml, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 10.75 ml। वसा परीक्षण के लिए दूध की 10.75 ml मात्रा का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाया जाता है, दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए हंसा परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी नाइट्रेट परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी आयोडीन परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी टेट्राजोलियम टेस्ट।
दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए हंसा परीक्षण, ऑप्शन बी नाइट्रेट परीक्षण, ऑप्शन सी आयोडीन परीक्षण, ऑप्शन डी टेट्राजोडियम टेस्ट। तो दूध में वर्षा जल की मात्रा का पता लगाया जाता है ऑप्शन बी यानी नाइट्रेट परीक्षण के द्वारा। नाइट्रेट परीक्षण के द्वारा दूध में वर्षा के जल की मात्रा का पता लगाया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है गाय के खीस में दूध की अपेक्षा अधिकता पाई जाती है। गाय के खीस में दूध की अपेक्षा अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गाय के खीस में दूध की अपेक्षा अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी गाय के खीस में दूध की अपेक्षा इन सभी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। ऑप्शन ए 0.12, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी 1.5। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है ऑप्शन ए 0.12, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी 1.5। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1, यानी गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1 या 1.028 होता है। क्या 1 या 1.028 होता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है पशुओं के कुल अस्थायी दांतों की संख्या होती है। पशुओं के कुल अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 20 जोड़ी, ऑप्शन सी 32 जोड़ी, ऑप्शन डी 0। पशुओं के कुल अस्थायी दांतों की संख्या होती है ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 20 जोड़ी, ऑप्शन सी 32 जोड़ी, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 10 जोड़ी। पशुओं में 10 जोड़ी या 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है काष्ठिक छड़ द्वारा खाली जगह दिन की आयु के बछड़ों को बदियाकृत किया जाता है। काष्ठिक छड़ द्वारा खाली जगह दिन की आयु के बछड़ों को बदियाकृत किया जाता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 1 सप्ताह। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 1 सप्ताह। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1 सप्ताह, यानी 5 से 7 दिन की आयु के बछड़ों को बदियाकृत करने के लिए काष्ठिक छड़ का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है साइलेज में नमी की मात्रा पाई जाती है। साइलेज में नमी की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 35 से 40%, ऑप्शन बी 60 से 65%, ऑप्शन सी 80 से 85%, ऑप्शन डी 15%। साइलेज में नमी की मात्रा पाई जाती है ऑप्शन ए 35 से 40%, ऑप्शन बी 60 से 65%, ऑप्शन सी 80 से 85%, ऑप्शन डी 15%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 60 से 65%। साइलेज में 60 से 65% नमी की मात्रा पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अपना अगला प्रश्न है हे को यूरिया के खाली जगह घोल से उपचारित किया जाता है। हे को यूरिया के खाली जगह घोल से उपचारित किया जाता है। तो 1 से 2%, 5%, 7 से 10%, 12%। 1 से 2%, 5%, 7 से 10% और 12%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 से 2%, यानी हे को यूरिया के 1 से 2% घोल से उपचारित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अपना अगला प्रश्न है निम्न में से रोमंती पशु नहीं है। निम्न में से रोमंती पशु नहीं है। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी घोड़ा। निम्न में से रोमंती पशु नहीं है ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी घोड़ा। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है
वो है ऑप्शन डी घोड़ा। घोड़ा बिना जुगाली करने वाला पशु है, यह रोमंती पशु नहीं है। तो ये थी अपनी 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने पशुपालन के 20 प्रश्नों की बात की। अगर टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तथा तो अगर आप इन क्वेश्चनों की PDF को लेना चाह रहे हो तो हमारा जो नंबर दे रखा है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। जय हिंद।